हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है 1/√2, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो 7/√5 और थर्ड क्वेश्चन जो है वो 6+√2। चलिए बारी बारी से इन तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं हम कैसे परफॉर्म करना है इन पे। सबसे पहले क्या करना है हमें, इरेशनल नंबर प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 1/√2, इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट एज्यूम इट इज ए रैशनल नंबर। कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको इरेशनल प्रूव करना है, उसमें सबसे पहला मेथड है बेटा, उस नंबर को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। रैशनल नंबर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/√2 को एज्यूम कर लेंगे। 1/√2 इज इक्वल टू ए बाय बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर। और बी जो होगा बेटा वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 1/√2 को एज्यूम कर लिया हमने ए बाय बी। इसके टू मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, जो आपको इजी लगे वो आप एज्यूम कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना हमारी, वहाँ पे हमें ओनली रूट वाली टर्म रखनी है, और राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है वहाँ पे हमें विदाउट रूट वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड लेके जाना होता है। तो यहाँ पे करना क्या है हमें, यहाँ पे देखो 1/√2 है तो इसको क्या कर लेंगे हम, रेसिप्रोकल। तो क्या लिखेंगे, टेक रेसिप्रोकल, क्या ले लेंगे इसका, रेसिप्रोकल। तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2, और a बाय बी का क्या हो जाएगा, b बाय ए। अब b बाय ए क्या थे हमारे, इंटीजर्स थे। तो यहाँ पे जो आ गई वैल्यू क्या आ गई, वो इंटीजर अपॉन में इंटीजर। अब इंटीजर बाय इंटीजर है तो इसको क्या कर लिख देंगे हम, रैशनल नंबर। अब b बाय ए रैशनल है और √2 इसके इक्वल है, तो √2 भी क्या हो गया हमारा, रैशनल। तो √2 भी क्या हो जाएगा हमारा, रैशनल नंबर। अब इसके बाद आपको कुछ से दो या तीन बातें लिखनी है, वो हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। सबसे पहले क्या है, जो रूट वाली टर्म है वो हमें पता है क्या होती है, इरेशनल। वी नो √2 इज इरेशनल, कौन सा है, इरेशनल नंबर। अब √2 इरेशनल होता है, हमने प्रूव कर दिया रैशनल नंबर, तो हमारी अजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग। सो आवर अजम्पशन, कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन भी लिखा मिलता है, सेम मीनिंग होता है अजम्पशन का और कॉन्ट्राडिक्शन का। सो आवर अजम्पशन 1/√2 इज रैशनल, हमने क्या मानना था 1/√2 को, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रैशनल क्या हो जाएगा, रोंग। हमारी अजम्पशन यहाँ पे रोंग होगी तो क्या लिख देंगे अब, 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। आई थिंक आपको क्लियर होगा यहाँ पे, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं बेटा, इसको सेकंड मेथड से करना कैसे है। अब हमें गिवन था 1/√2 को हमने क्या एज्यूम किया था, ए बाय बी। यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय √2। ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर क्या आ गई वैल्यू, √2, नीचे क्या आ जाएगी, √2 × √2। √2 का मीनिंग क्या होता है कि 2^1/2। अब 2^1/2 × 2^1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा, 1। तो नीचे आ गया हमारा 1 इज इक्वल टू ए बाय बी। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको रूट वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड, विदाउट रूट वाली को राइट हैंड साइड। तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो इज इक्वल टू 2 × a
टू ए बाय बी। अब टू ए बाय बी में क्या है, सारी की सारी वैल्यू इंटीजर्स हैं, तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। सेम एज इट इज क्या लिखेंगे यहाँ पे भी सेम, उससे आगे नेक्स्ट स्टेप सेम होगा। रूट टू क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर होगा, वी नो रूट टू इज इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन वन बाय रूट टू इज रैशनल रॉन्ग, तो क्या लिख देंगे वन बाय रूट टू क्या है इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा सेवन रूट फाइव। सेवन रूट फाइव को प्रूव करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट सेवन रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर, इसको भी क्या अज्यूम कर लिया हमने रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया। करना क्या है फिर नेक्स्ट, रैशनल नंबर है तो सेवन बाय रूट फाइव इज इक्वल टू किसके होगा बेटा ए बाय बी, और बी जो होगा वो क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और ए बी क्या होंगे हमारे को प्राइम इंटीजर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि को प्राइम क्या है, यहाँ पे को प्राइम वो नंबर होते हैं बेटा जिनका जिनको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, या फिर जिनका एच सी एफ जो होता है वो क्या होता है वन होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे टू हो गया, थ्री हो गया, सेवन हो गया, थर्टीन हो गया, इस तरीके के नंबर उनको को प्राइम इंटीजर्स मानते हैं। अब यहाँ पे सेवन रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाई बी आ गया हमारा, तो करना क्या है हमें मेथड जो अपनाना है, रूट वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड विदाउट रूट वाली राइट हैंड साइड, सेवन यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाय सेवन बी, आई थिंक क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे ए क्या है हमारा इंटीजर, सेवन बी भी क्या है इंटीजर, तो ये किसके इक्वल है इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर बाय इंटीजर है तो क्या होगा ए बाय सेवन बी इज रैशनल, क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। तो रूट फाइव को भी क्या लिख देंगे हम, रूट फाइव इज ए रैशनल। अब ये दोनों इक्वल थे, ये रैशनल हो गया तो रूट फाइव भी क्या हो जाएगा हमारा रैशनल। बट क्या है वी नो रूट वाली टर्म होती क्या है इरेशनल, रूट फाइव इज इरेशनल, सो आवर एजम्पशन, एजम्पशन मीन्स होता है बेटा जो हमने मानना था जिस चीज को, तो क्या मानना था हमने सेवन रूट फाइव को रैशनल, तो क्या हो जाएगा एजम्पशन सेवन रूट फाइव ए रैशनल इज रोंग, तो हमारी एजम्पशन क्या होगी यहाँ पे रोंग। तो क्या प्रूव कर दिया हमने सेवन रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, इसका क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो है हमारा सिक्स प्लस रूट टू। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है इसका वो क्या है सिक्स प्लस रूट टू को हमें क्या प्रूव करना है इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सेम मेथड अपना, लेट एज्यूम किया सिक्स प्लस रूट टू इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है तो फिर वही मेथड सिक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा ए बाय बी, ए कोमा बी क्या होंगे आर को प्राइम इंटीजर, और एंड बी जो होगा वो क्या होगा बेटा नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे बी को नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखते हैं वो देखिए, एक बार छोटा सा स्टेप है। अब मान लिया ए बाय बी को अगर मान लिया जीरो मान लेते हैं, ए बाय जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा इन्फिनिटी हो जाएगी जो नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए हमें हम हमेशा लिखते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे करना क्या है सेम एज इट इज, रूट वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड विदाउट रूट वाली राइट हैंड साइड। अब सिक्स देखो बेटा यहाँ पे प्लस में है, प्लस में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, ये बात ध्यान रखनी है। यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे अगर प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उधर जाके राइट हैंड साइड जाके उसके साइन चेंज हो जाएंगे, सिक्स पॉजिटिव है तो उधर जाके माइनस सिक्स हो जाएगा, यहाँ पे सिक्स मल्टीप्लाई में होता तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस में है तो नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे रूट टू इज इक्वल टू ए बाय बी,
प्लस सिक्स है तो इधर जाके बेटा माइनस सिक्स, इसके बारे में वन मान लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका क्या आ जाएगा, बी एलसीएम। तो ए माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो बी की मल्टीप्लाई सिक्स के से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स बी। तो रूट टू इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा, ए माइनस सिक्स बी बाय बी। अब ए क्या है हमारी, इंटीजर वैल्यू, माइनस सिक्स इंटू फिर इंटीजर है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर भी क्या है इंटीजर। तो रूट टू इज इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा, रैशनल रैशनल नंबर। तो रूट टू भी क्या आ गया हमारा यहाँ पे, रैशनल नंबर। फिर लिखेंगे बट वी नो क्या, रूट टू को हमें क्या पता है, रूट टू क्या होता है, रूट टू इज ए इरेशनल। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग फॉर, क्या एज्यूम किया था, सिक्स प्लस रूट टू इज रैशनल। मैंने तीन क्वेश्चन में तीनों अलग अलग मेथड से लिखा है, जो आपको इजी लगे वो अपना सकते हैं आप। तो लिख क्या देंगे यहाँ पे, सो सिक्स प्लस रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। आई थिंक आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।